नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों, ऐसे स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको चार्ट पर दिखाएंगे इसका चार्ट कितना बेहतरीन दिखता है। दोस्तों, चार्ट पे हर चीज़ दिखता है कि ये स्टॉक्स कैसा है, और इसके फंडामेंटल्स को जरूर चेक करें। हम आपको फंडामेंटल्स चेक करने के लिए बताते रहते हैं। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में चेक करते हैं, बिजनेस कंपनी का मोनोपोली वाला है या नहीं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है या नहीं, मतलब वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए मार्केट में। तो जैसे में एशियन पेंट, दोस्तों एशियन पेंट जो है काफ़ी वैल्यूएबल कंपनी है। इसका जो कंपनी का प्रोडक्ट है काफ़ी मार्केट में डिमांड में है और मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है। तो दोस्तों, एशियन पेंट का जो प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतरीन है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो दोस्तों, चार्ट यहाँ पर देख लीजिए, कभी भी दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में आपको चार्ट नहीं दिखेगा। तो इसका चार्ट देखने से ही पता चलता है, निश्चित है कि ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। इसके चार्ट पर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि ये किसी सॉलिड कंपनी का चार्ट है। तो आप चार्ट देख करके ही सिर्फ बता सकते हैं कि ये कंपनी जो है किसी सॉलिड कंपनी का चार्ट है। काफ़ी बेहतरीन बिजनेस होगा कंपनी का, कंपनी का प्रोडक्ट मोनोपोली क्रिएट करता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी ट्रेंड लाइन खींचते हैं, आप कोई भी ट्रेंड लाइन खींच ले, चलिए यहाँ से हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से देखिए अभी तक एक बार भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये कौन सा ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड। अपने अप ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक नहीं किया है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जब ये अपने कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो आपको कभी भी ये अपने इससे एग्जिट होने का मौका नहीं दिया। कभी भी ये स्टॉक्स ये नहीं बताया आप इस स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। दोस्तों, ये है वीकली चार्ट, यहाँ पर देखते हैं वीकली चार्ट। जब हम 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम वीकली चार्ट पर फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस को। अगर वीकली चार्ट पर ये अपना ये जो पीछे वाला लो है, कभी भी ये पीछे वाला लो को अगर ये लो ब्रेक कर देता, इसके नीचे आ जाता, तो हम इस स्टॉक से एग्जिट होने के लिए सोचते। जैसे ये लो बनाया, ये लो पीछे लो के इसको ब्रेक करता तो एग्जिट हो जाते, इस लो ये लो इस लो को ब्रेक करता तो हम एग्जिट हो जाते। लेकिन कभी भी कोई भी लो बना, इस पैंडेमिक में जो गिरावट आया, देखते हैं जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, इसमें जो गिरावट आया, ये भी लो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर सका। तो दोस्तों, ऐसे सॉलिड कंपनी में ही आपको गिरावट में जब भी स्टॉक्स मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले स्टॉक्स देखते हैं 1900 रुपये का हुआ करता था। वहीं जब ये फिर से रैली आया गिरावट के बाद, तो ये 2000 रुपये को भी क्रॉस कर दिया। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो पिछला हाई था उस हाई के भी ऊपर जा चुका है ये स्टॉक्स, और फिर से इसमें करेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे इस बार करेक्शन आता है तो आपको इस स्टॉक में SIP स्टार्ट कर देनी है, मतलब दो स्टॉक अभी बाय कर लिए, फिर दो स्टॉक बाय करेंगे। मतलब जब जब ये देखते हैं अपना ये ट्रेंड लाइन पर अपना लो बनाएगा, वहीं यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन खींचना है। जो ये ट्रेंड लाइन है, मतलब इसके जो ग्रोथ का लाइन है, ये लाइन खींचना है। और जब जब ये अपने लो बनाएगा, उस लो से जैसे ये ऊपर की ओर दिखाएगा अपना कैंडल, ग्रीन कैंडल, उस ग्रीन कैंडल, पहले ग्रीन कैंडल पे आपको SIP करना है। SIP जहां मन तहां नहीं करना है। जब जब ये करेक्शन करेगा और अपना यहां पर करेक्शन के बाद पहला ग्रीन कैंडल बनाएगा, आपको उसी पहले ग्रीन कैंडल पे आपको अपना SIP करना है स्टॉक में। तो आप ये एक रूटीन बना लीजिए कि आपको इस स्टॉक में SIP करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हम आपको बताते रहते हैं, तो आपको 10-20 स्टॉक चूज करना है और 10-20 स्टॉक में आपको अपना SIP स्टार्ट करना है। पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई रखना है। तो दोस्तों, अगर आप कहें इलियट वेव थ्योरी पर भी ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है। यहाँ से देखें, ये ए लेग हुआ, ये बी लेग हुआ, और यहाँ से देखिए सी लेग इसका कितना बेहतरीन है। यहाँ से सी लेग देख लीजिए, यहाँ से सी लेग यहाँ तक काफ़ी लंबा लेग है, काफ़ी बेहतरीन सी लेग होगा, सी लेग हो गया यहाँ तक, सी के बाद ये डी लेग हुआ, और डी के बाद फिर ई लेग हुआ। तो यहाँ पर ई लेग कंप्लीट हुआ। तो जो हमारा इलेट वेव है, वो इलेट वेव को यहाँ पर कंप्लीट किया ई लेग, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक करेक्शन आया। तो हमेशा इलेट वेव जब वो पूरा करता है, तो हमेशा इलेट वेव में एक जो हमारा इलेट वेव पूरा होता है, तो यहाँ पर एक करेक्शन आता है। तो यहाँ पर करेक्शन देखते हैं ट्रेंगल वाइज आया है, ये इस तरह का करेक्शन। तो पहले से निश्चित था, यहाँ से इलेट वेव भी बोल रहा है कि यहाँ पर एक करेक्शन आएगा। उसी तरह से आप निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, तो उस पर भी इलेट वेव को जब लगाएंगे तो आपको बताएगा कि करेक्शन संभव है। मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा रैली किया है, तो हर रैली के बाद एक करेक्शन होता है। तो वो करेक्शन एक कोरोना वायरस के रूप में आया, जो कि एक बहुत ही शार्प करेक्शन था।
तो दोस्तों इस तरह से आप चार्ट पर कोई भी स्टॉक को देख सकते हैं कि आपको कब इन्वेस्ट करनी चाहिए। चलिए तो हम इसको वीकली डे चार्ट पे देखते हैं। अभी तो आपने वीकली चार्ट देखा, तो वीकली चार्ट होता है जब हम किसी स्टॉक में लंबे समय तक इन्वेस्ट रहते हैं तो वीकली चार्ट पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अभी जब आप पहली बार इन्वेस्ट करेंगे तो इसको किस चार्ट पर फॉलो करेंगे? डे चार्ट पर। तो देखिए डे चार्ट पर हमने लगा दिया। डे चार्ट पर यहाँ पर देख लीजिए, मई में इसमें गिरावट आया था 1500 रुपये तक। तो 1500 रुपये तक आया था जबकि ये 1900 रुपये का स्टॉक था, तो इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये फिर से यहाँ पर देखते हैं 2050 रुपीज़, 2050 रुपये से ये फिर से करेक्शन दिखा रहा है और यहाँ से 100 रुपीज़ का करेक्शन ये दिखा चुका है। पिछला जो करेक्शन था वो था 1900 रुपये का। अगर ये इसके आसपास आता है तो ठीक, नहीं तो आज ये पहला ग्रीन कैंडल बना चुका है यहाँ पर देखते हैं। लेकिन फिर से मार्केट में कल गिरावट आ सकता है क्योंकि आज डॉ जॉन्स काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, डॉ जॉन्स निगेटिव है, तो कल करेक्शन संभव हो सकता है। ऐसे भी ये देखते हैं का जो वीक है, इस कैंडल का जो वीक है काफी दिखा रहा है कि इसमें सेलिंग का प्रेशर है, ऊपर से काफी सेलिंग प्रेशर है, तो हो सकता है यहां पर आपको थोड़ा सा और गिरावट इसमें देखने मिले। तो आपको यहां पर SIP स्टार्ट करनी है मार्केट को देखते हुए। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता है, मतलब मार्केट हमारा करेक्शन नहीं दिखाता है, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी करेक्शन ना आए। तो इस तरह से आपको SIP स्टार्ट करनी है। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आता, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करनी है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये पिछला लो अगर यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट दे देता है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो ये बन जाएगा रेसिस्टेंस। जब ये रेसिस्टेंस बनेगा तो आपको जस्ट यहाँ से आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जब इसके ऊपर निकलेगा तो आपको जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अगर जीरोधा में अकाउंट है तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अपने लॉन्ग पोजिशन में तो GTT ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, वो तब तक रहेगा जब तक स्टॉक में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बोनस नहीं दिया जाता है, तब तक वो आपका GTT ऑर्डर क्रिएट रहेगा स्टॉप लॉस का। कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका अपने आप स्टॉक सेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है जीरोधा में। तो जीरोधा में अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं किया तो मेरे लिंक से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी सुविधा हम आगे चल करके, जैसे आप इंट्राडे में आपको कोई भी सुविधा देते हैं तो आपको भी उसमें ऐड करेंगे। फिर दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो है जुबिलेंट फूडवर्क। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन को कई बार ब्रेक किया है। यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रेंड लाइन चला है, ये ट्रेंड लाइन है मार्च 10 से 2010 से और यहाँ तक चला 2012 के दिसंबर तक ही इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो किया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, 1 से 2 साल तक। फिर से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनाता है और यहाँ पर फिर से यहाँ पर गिरावट आता है एक काफ़ी तेज। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो पिछला लो था, ये देखते हैं यहाँ पिछला लो जो कि 2013 में बनाया था, उस लो को ये ब्रेक कर दिया। तो जैसे ये लो को ब्रेक किया तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। ये जो स्टॉक है ये इस तरह के ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है हमेशा, बार बार देखते हैं, चौथी बार ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया है, पांचवीं बार एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ये बनाया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं खींचा, चलिए यहाँ पर भी खींच देते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं 5 बार अपना ट्रेंड लाइन 2010 से अभी तक में ये बना चुका है स्टॉक्स। तो जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, पहला ग्रीन कैंडल बना वीकली चार्ट पर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप वीकली चार्ट पर यहाँ पर अपना मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और फिर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर ये इसको कंसोलिडेट होने के लिए छोड़ दीजिए और जैसे यहाँ से फिर से ये रैली करता है, देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अपना मतलब ये अपना लगातार यहाँ लो बनाता है और लो बनाने के बाद यहाँ से फिर से रैली स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो पहला ग्रीन कैंडल बना यहीं से आपको इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करनी है और जैसे यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है। या आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है कि ये लॉन्ग टर्म ये इस लो को भी ब्रेक करे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर ये स्टॉक मतलब फंडामेंटल्स इसका
ख़राब हो जाता है, फंडामेंटल बिगड़ जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जैसे लुपिन 2000 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, और जब लुपिन 2015 में 2000 रुपये से गिर करके आ गया कितना पे, 600 पर। तो दोस्तों ऐसे में आप जब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो उतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ेगा। 2015 के बाद अभी तक लुपिन 1000 रुपीज का स्टॉक है, 2000 रुपये से गिर के 600 पाया, उसके बाद अभी 2020 में वो फिर से 1000 रुपीज़ का हो पाया है। इसलिए कहते हैं आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कीजिए, चाहे कुछ भी, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। और यहाँ पर जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब जैसे एशियन पेंट ने आपने देखा कभी भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, तो आप इस स्टॉक में बने रहिए, क्योंकि ये वीकली चार्ट पर कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो उसमें आप हमेशा के लिए इन्वेस्टेड रहिए। अब यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर लेंगे, आप इसका मदद ले सकते हैं, RSI का मदद ले सकते हैं एंट्री के लिए, MACD का मदद ले सकते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है RSI, MACD ये सारे इंडिकेटर जिसके मदद से आप जो है एंट्री ले सकते हैं RSI के मदद से। तो RSI के बारे में एक डिटेल वीडियो बता देंगे आपको, कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर RSI पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर RSI देखिएगा तो ये जो लो बनाया, RSI काफ़ी नीचे था, RSI का वैल्यू देख सकते हैं कितना था, 29, जो कि आप कहेंगे ओवर मतलब सोल्ड हो चुका है। लेकिन दूसरा बार जो ये लो बनाया तो वैल्यू देखिए यहीं पर इसके आसपास ही है, ये भी लो इसके आसपास, ये देखते हैं इसका विक्स, ये जो वीक है इसका काफ़ी निकला हुआ है। लेकिन इस RSI का वैल्यू देखिए, यहाँ लो का वैल्यू काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर जब आप RSI का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, RSI का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर RSI का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए तो देखिए अप है, तो RSI का जो डाइवर्जेंस है, जो स्लोप है, काफ़ी अप है, मतलब यहाँ से एक पॉजिटिव रैली इस स्टॉक में स्टार्ट हो सकता है। अब बताएगा कौन कि पॉजिटिव रैली स्टार्ट हो सकता है, तो इसका ये पहला जो ग्रीन कैंडल है ये बताएगा। ये जब ग्रीन कैंडल इस ये हाई को ब्रेक करेगा, ये जो मतलब पिछला हाई था, इस हाई को जैसे ब्रेक किया, मतलब ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की ओर स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहीं पर जैसे ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ओपन होता है, तो आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे 577 रुपीज पर। अब यहां पर इन्वेस्ट कर लिया और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, जैसे यहां पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मतलब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। फिर से ये काफ़ी समय तक ये देख सकते हैं कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो यहाँ पर फिर से ये देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त एक मोमेंटम यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर फिर से आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्टॉक कुछ अलग तरह का देख सकते हैं पैटर्न बनाता है, बार बार अपने एक ट्रेंड लाइन में अप मोमेंटम दिखाता है, फिर उस ट्रेंड लाइन को काफ़ी तेज़ी से ब्रेक करता है। कई बार देख सकते हैं ये अपने ट्रेंड लाइन को काफ़ी मतलब तेज़ी से ब्रेक किया है, तो वैसे में आप प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, जैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे प्रॉफिट आपका बुक होते जाएगा। तो दोस्तों ये था बेहतरीन तरीका जिसके द्वारा आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे आप डे चार्ट पर आप एक मंथ दो मंथ के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग को भी इसी तरह से हम लोग करते हैं कि आप जो है इस तरह से स्विंग को फॉलो करेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आप वहां से एग्जिट हो जाएंगे, चाहे आप RSI का मदद ले सकते हैं, RSI जैसे आपको वीकनेस दिखाता है, यहाँ पर देखते हैं RSI, यहाँ पर देखिए जैसे आपको यहाँ पर RSI दिख रहा है, इसका डाइवर्जेंस देखिए नीचे की ओर डाइवर्जेंस है, ये RSI दिखा रहा है कि RSI वीकनेस दिखा रहा है, मतलब मोमेंटम जो है ये धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। RSI बता रहा है नीचे जो आ रहा है RSI का यहाँ पर स्लोप मतलब डाइवर्जेंस, ये बता रहा है कि ये मोमेंटम जल्द ही समाप्त होने वाला है, मोमेंटम जल्द ही समाप्त होने वाला है। और यहाँ पर मोमेंटम जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ, आप समझ जाइए मोमेंटम समाप्त हो चुका है, आप प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। और या यहाँ पर RSI सिग्नल दे रहा है तो आप डेली चार्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए, डेली चार्ट में 5 डे का चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि RSI वीकली चार्ट पर सिग्नल दे रहा है कि ये ट्रेंड खत्म होने वाला है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डेली चार्ट का यूज करके।
तो ये बेहतरीन तरीका था जिससे आप पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इन दो बेहतरीन स्टॉक में, जुबिलेंट फूड, एशियन पेंट। साथ ही साथ इस तरह के ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं। सिर्फ ये दो ही स्टॉक नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैंने इस दो स्टॉक्स को आपको समझाया, तो आप इन दो स्टॉक्स के अलावा और सारे स्टॉक में आप खुद से, मतलब जीरोधा में अगर अकाउंट है तो जीरोधा के चार्ट का प्रयोग करते हैं, या ट्रेडिंग व्यू पर भी आप इसी चार्ट का प्रयोग करते हैं। सेम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ही हम जीरोधा पे भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।